हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं वैसे तो बहुत लेट हुई वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरा पास टाइम नहीं रहता है, आप लोगों को पता है। तो मैंने आज सोचा आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा घूमने चली गई, यानी कि मैं बद्रीघाटा आई हूँ। यहाँ पे जू वगैरह क्या क्या दिखते हैं मैं आप लोगों को दिखा दी जाऊँगी। तो सॉरी बट मैं क्योंकि वीडियो डाल नहीं पाती हूँ जल्दी जल्दी, तो बिजी रहती हूँ काम काज, और फिर कभी बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि बद्रीघाटा में क्या क्या मिलता है, लाइक टाइगर और स्नैक। मैंने तो देख चुका हूँ, मैं सोचा क्यों ना मैं व्लॉग भी बना लूँ और जगह भी देखूँ और आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा दूँ। तो दिखाऊँगी आप लोग, और देखते रहिएगा। बहुत ही दूर आना पड़ा यहाँ पर। मैं हूँ तो वैसे पार्क में हूँ, पर मैंने पहले घर से निकला वाला वीडियो में नहीं बना पाई, मैं बस मैं जाती हूँ यहाँ बना लूँगी। तो देखिए क्या क्या मिलता है। चाहते तो इस तरह गाड़ी में भी घूम सकते हैं हम लोग, लेकिन हमारा पास आई हैव नो मनी कासिल्ला, तो इसलिए हम लोग चल चल के देख रहे थे जगह, और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो देखिए कितने लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, देखिए आप लोग पीछे तरफ इतने सारे भीड़ बाहर है कि क्या बताऊँ। बाप देखो इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे ना, इससे ना। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोग देखिए यहाँ पे जिराफ है, और बहुत दूर है इसलिए मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रही हूँ। और बस ये अकेला ही है, बहुत धूप बहुत ही तेज़ी से है, और मेरा फर्स्ट टाइम था इसको देखने के लिए। आप लोगों का भी शायद फर्स्ट टाइम होगा देख लीजिए, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो हमने फाइनली यहाँ पे टाइगर को मिल चुका है। यार हेरू यार, वो इतनी भीड़ नहीं टाइगर को लगी। तो गाइस मुझे पीछे से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा हाइट कम है, तो मैं आगे जा रही हूँ यहाँ पे। शायद दो भाई, शायद दो। हाँ देखिए, मैंने इसको भी जूम करके दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा दूरी है ये भी। और ये इसको ही देखना था मुझे, क्योंकि ये मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। डरावना दिखता है, देखिए कितने नहीं देखा है, मेरा वीडियो भी देख सकते हो आप। देखिए बहुत ही भीड़ भाड़ लगा हुआ है बस इसके लिए, बहुत ही ज़्यादा बस इसको देखने के लिए। ये देखो इतना आलसी भी, बहुत ज़्यादा आलसी दिख रहा है इसको, गर्मी बहुत है ना इसलिए। कितना है, एक दो, हाँ दो ठुए। देखिए वहाँ पे एक है, और ये देखिए मज़ा आ रहा है भाई, इतना आमने सामने लाइफ टाइम फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं असली में। तो मैंने टीवी पे डिस्कवरी चैनल, आप लोगों ने भी किसी किसी ने बस इतना ही देखा होगा टीवी मूवी पर ही, मैंने तो रियल में देख लिया। देखो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आप लोग भी देख लीजिए, सोच लीजिए कि आप लोगों ने रियल में देख लिया है। इतना सामने से लिया है कि डर भी लग रहा है, क्योंकि ये झपट ना ले मेरा ऊपर, मेरा नहीं बहुत सारा लोग है, कोई बात नहीं। इतना आलसी है लेकिन जो कि देखिए इतना बोरिंग सा बैठा है वो। तो भीड़ भाड़ है यहाँ पे, और क्या मिलता है आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इतना भीड़ भाड़ है क्या इधर। सो गाइस यहाँ पे देखिए बियर, यानी कि भालू है, भालू। बाप रे, ओहो, इसको भी फर्स्ट टाइम है मैंने देखा वाला। इतना बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है, बस इतना ही रहता होगा पता नहीं। ये भालू भी क्या घास खाता है या पत्ते वत्ते, इसको मैं जूम करके दिखा रही हूँ क्योंकि दूर है ना इसलिए इसको जूम करने होने के लिए। तो बड़ा है, हम लोगों से तो बड़ा ही देखता होगा शायद। और भी एक है उस तरफ पे, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, पहले देख लीजिए इसको यहाँ पे। ये शायद हरामी होता होगा इसलिए इसको बंद करके रखा है पिंजरे के अंदर। देखिए भालू, बियर, बच्चा लोग भी खुश। और ये रहा दुनिया का सबसे बड़ा चिड़िया, ऑस्ट्रिच। और इतना सारा इसका वो है, क्या ये बाल वाल, इतना बड़ा बड़ा है।
इसका गर्दन देखो कितना लंबा, ये तो मैंने पहले भी देख चुका है और यहाँ पे भी है एक दो, बहुत सारा है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा चिड़िया, चिड़िया हो क्या बोलेगा। और देखिए बहुत ही दिख रहा है, ये भी अगर एक बार काट लेना इंसान को, एक बार चूच लग जाएगा तो एक दो गरम मीठी ले लेगा शायद, इसका भी चूच इतना बड़ा है पता नहीं लेकिन काटता है या नहीं काटता है। देखिए बहुत सारा रखा, ये शायद थोड़ा आगे भी था पर हम लोगों ने यहाँ पे मैंने इसको वीडियो बना लिया। क्या खाता है ये लोग भी खा रहा है, देखो अच्छा लग रहा होगा। देख लीजिए, देखिए मेरा वीडियो, आप लोग एंजॉय कीजिए मेरा वीडियो को देख के। आप लोगों के लिए बना रही हूँ मैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी शायद अच्छा लगेगा, अच्छा तो लगना चाहिए। और आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, यहाँ पे भी है ये भी वही है, उसका बच्चा और वो बड़ा माँ लोगों को अलग करके रखा है शायद, ये छोटा छोटा बच्चा है, उससे छोटा है तो बच्चा ही होगा, इनको अलग करके रखा गया है शायद, आपस में झगड़ा होगा इसलिए अलग अलग करके रखा है। देखिए बेचारा लोगों को ना। और ये देखिए लोमड़ी, लोमड़ी बड़े चलाक होते हैं। पहले बचपन में एक पोएम था हिंदी पे, कविता, उस टाइम को उसमें देखा था, अब मैंने यहाँ पे देख लिया रियल में। देखिए आप लोग भी देखिए, लेकिन ज़्यादा तो नहीं है, एक है, एक दिख रहे हैं, दो तीन चार दिख रहे हैं, ये भी उसका ही लोमड़ी टाइप का है, पता नहीं क्या है, पता है मेरे को, जंगली कुत्ता होगा, लोमड़ी भी तो जंगली कुत्ता ही बोलेगा ना उसको, ये भी कुत्ता ही है लेकिन पता नहीं ना भी नहीं दिखाया इधर में। देखिए ना बड़ा बड़ा वो तो बनाया है लेकिन इतना सारा नहीं रखा, बहुत ज़्यादा रखना चाहिए था, इतना ज़्यादा भी नहीं है, दस भी नहीं है, सात आठ नौ ठो होगा शायद ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए मज़े कीजिए, गर्मी से यहाँ पे बेहाल। देखिए यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, और वहाँ पे कितना अच्छा फैमिली है, फोटो ले रहे हैं वहाँ पर। तो हम चलेंगे आगे, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा, हो गया चलते हैं। ये शायद नाम लिखने वाला पेड़ होता है, बहुत सारा आप लोगों ने अपना अपना नाम लिखा है यहाँ पे। मेरे को तो नाम पता नहीं है पर फिर भी इधर क्या है, हिप्पो, हिप्पो किसका नाम पता है बताना। आ इसका पूछ इतना छोटा है, काट कर दिया है या पूछ ऐसे इतना छोटा है। यहाँ पे भी है हिप्पोपोटामस, देखो इसका पूछ जो इतना छोटा है, कट कर दिया या इस लंबा होता है या इतना ही होता है पता नहीं मुझे तो, क्योंकि मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। हिप्पोपोटामस, हिप्पो शॉर्ट में इसको हिप्पो बुला सकते हैं। और बहुत ही गंद है, गंद मार रहा है वो कीचड़ में रहता है ना ये, इसका कीचड़ बहुत ही बदबूदार, इसका वो आ रहा है, बदबू आ रहा है ना, आलसी है, देखिए बहुत ही आलसी कर रहा है, पूरा मज़े ले रहे हैं वो पानी पे, और हम धूप में चल रहे हैं। हिप्पोपोटामस, हिप्पो है इसका नाम, हिप्पो आप लोग बुला सकते हैं इसको शॉर्ट में हिप्पो। इधर भी देखिए कितना बोरिंग सा बैठा है, किन किनों ने देखा होगा इसको, पहले भी देख चुका है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। देखिए यहाँ पे ये लोग अपना खाना खा रहे, लोग इतना भीड़ है यहाँ पर कि इसको ही सिर्फ हिप्पो को देखने के लिए, बाकी इसको ही नहीं, बहुत लोग सब देखने के लिए आया है, यहाँ पे खाना खा रहा है। और यहाँ पे मंकी भी चल रहा है, देखिए बंदर। ये देखो अलची यहाँ पे है, मुझे तो देखने के लिए मज़ा आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो जो भी अच्छा ही लगेगा देखने के लिए। तो आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं, क्या क्या है दिखाएंगे। और यहाँ पर है हिरन, देखिए यहाँ पर हिरन मिलेगा आपको, एक दो तीन, ये पे हिरन है, एक दो तीन, दो उधर है आगे पे। और ये लोग धूप में बहुत ही तकलीफ लग रहा है वो लोग को देख के, साइलेंट साइलेंट रह रहे हैं, गर्मी जो बहुत है। इसको तो जूम करने का ज़रूरत नहीं, फिर भी आप लोगों को मैं जूम करके दिखा रही हूँ, जूम करने से थोड़ा पास में दिखेगा तो आप लोगों को भी लगे कि
सच में अभी देख रही हूँ जैसा, इसलिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ। तो ऐसा ही बहुत सारा है यहाँ पे देखने के लिए जानवर वगैरह, लेकिन इतना सारा है कि मैं थक चुकी हूँ दिखाने के लिए और बहुत कुछ तो नहीं दिखा पाऊँगी शायद। फिर भी आगे चलते हैं और क्या क्या है देखेंगे हम, आप देखते रहिए यहाँ पे। और यहाँ पर भी है और यहाँ से देखेंगे, मेरा हाइट कम है तो थोड़ा यहाँ से मुझे इधर दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी हिरन बैठा है, वहाँ पे भी है, और ये शायद हिरन दो प्रकार के हैं। वहाँ पे था जो नॉर्मल हिरन, जो उसमें कुछ दाग धब्बा मतलब कुछ था नहीं, और यहाँ पे है मतलब डॉट डॉट सा है, हाइट कम है तो मुझे उठना पड़ेगा। ये देख सकते हो आप, देखें यहाँ पे थोड़ा हिरन का थोड़ा वो है डॉट डॉट करके वाइट वाइट में वो किया है, जो पहले वाला दिखाया था उसमें नहीं है। इतना सारा है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है दिखने में। देखिए बहुत सारा है, हिरन के बच्चे, हिरन है, हिरन के बच्चे हैं। चलो देखेंगे आगे और क्या क्या मिलते हैं, दिखाएंगे आपको। चलिए देखते हैं। और ये देखिए गाइस, हाथी, हाथी राजा कहाँ चले, सूर हिला के पूछ हिला के कहाँ चले। पहले ये पोएम भी पढ़ा था, मेरे घर आओ ना हलवा पूरी खाओ ना। लेकिन थोड़ा लाल लाल है यहाँ का हाथी जो लिफेंट, हमारा उधर तो पूरा काला होता है, मैंने तो अभी तक काला देखा, यहाँ पे थोड़ा सा लाल लाल, कैसा बोलेगा इसको, ऐसा नेपाली में तो खैरो खैरो बोलता है कोई बात नहीं, समझ लिया होगा आप लोगों ने। ब्राउन ब्राउन टाइप का घास खा रहे हैं ये लोग, चार है यहाँ पे हाथी, शायद माँ बाप बेटा बेटी होता होगा अंदाज में बोल रही हूँ मैं ऐसे। और ये हाथी भी तो देख चुका है पहले में, फिर भी आप लोग देखिए दिखने में अच्छा ही लग रहा है। हाथी जी, हाथी जी देखिए। तो चलिए चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और थोड़ा सा फ़ोटो वोटो भी खींचना है, मुझे लेना है। तो आइए हम देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। और यहाँ पे है हरिन का बच्चा, जो इसको भी अलग करके रखा है, मतलब छोटा छोटा को यहाँ पे रखा होगा, जो मैंने आगे पे दिखाया था वो तो थोड़ा बड़ा था इससे, और इनको भी साइड डिवाइड कर। तो आइए गाइस मेरे पीछे पीछे आते रहिए, और देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे भी कुछ नया, क्योंकि मुझे भी लग रहा है यहाँ पे मेरे को नया देखने को मिल रहा है, बहुत लोगों ने फ़ोटो ले रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा बकरी है, पर बड़ा बकरी, यानी कि गाय का तरह दिख रहा है, लेकिन ये गाय तो नहीं हो सकता, गाय तो नहीं है ये, इसका और नाम भी नहीं दिया है, पता नहीं क्या है, पर बकरी का तरह दिख रहा है ये दिखने में, गाय तो नहीं है। और आगे भी देखे यहाँ पे है ये इधर भी है, ये भी कुत्ता है, दो रखा है यहाँ पे भी, मुँह थोड़ा इसका मुँह थोड़ा लंबा चूच, तो इसका नाम है रकुन डॉग, छोटा है पर चूच लंबा है। और सबसे मेन बात आप लोग देखे यहाँ पे चीता, चीता ही बुलाएगा ना इसको, तो देखिए पूरा मज़े से हवा ले रहे हैं। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोर भी हुआ है देख लीजिए, क्योंकि मुझे इतना भी वो नहीं आ रहा है दिखने के लिए, मज़ा नहीं आ रहा है, फिर भी कोई कोई चीज़ मज़ा आ रहा है देखने में। ये लोग तीन इतना बोरिंग सा बैठा है कि ऐसा लग रहा है कि आज खाने में क्या मिलेगा, ये मीटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखो एक नीचे नाम के चल रहा है, लेकिन चीता बुलाएगा ना इसको, चीता ही तो है इसका नाम। और
इतना बड़ा बड़ा जू बना दिया, लेकिन रखा है बहुत कम, रखना चाहिए। बहुत सारा रखेगा तो आवाज़ भी करेगा, वो लोग आवाज़ करेगा तो दिखने में और भी मज़ा आएगा। शायद ये लोग सोच रहा होगा खाने में क्या मिलेगा, वही इधर उधर इधर उधर कर रहे हैं। तीन में ये थोड़ा सा चलने लायक है, मतलब थोड़ा स्मार्ट दिख रहा है। और ये देखो यहाँ पे मज़े से खराटे लेके सो रहे, देखिए ये भी घूम रहे हैं। और अब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को जंगल का राजा है ना, लायन। देखिए कितना बड़ा है, बाप रे ये तो बहुत बड़ा है, हम में से भी बहुत बड़ा आदमी। एक को तो नीली ले गए गोटा ही अंदर घुसा। देखिए पूरा पत्थर में उठ के चढ़ के मैं वो जंगल का राजा शायद कहने के लिए कोशिश कर रहा है मेरा अंदाज। ये भी आलसी भी है, थोड़ा आवाज़ करे तो अच्छा लगना था। ये एक बार बाहर आ गया ना, सब हम सब सखाब ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। देखिए कर रहा है, बाप रे नींद लग गया शायद उसको, मज़ा आ रहा है। देखिए और यहाँ पे है हमारा मोर, पिकॉक, वाइट पिकॉक, पता नहीं मेरे को तो पिकॉक ही दिख रहा है, आप लोगों को क्या दिखेगा। और ये लगेगा आप लोगों को पिकॉक, देखिए वो भी शायद पिकॉक ही है, वाइट कलर का भी। लेकिन अकेला अकेला रख दिया, इतना बड़ा घर जो बना दिया फिर भी अकेला ही रख दिया इन लोगों ने। और बहुत बड़ा बड़ा पिंजरा बना के रखा है और अकेला अकेला घूम रहे हैं। हम यहाँ पे घूम के पूरे थक गए और हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे पूरा हाल है थक गए। और यहाँ पे बहुत सारा लोग है, आप देख सकते हो पीछे तरफ कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, लाखों लाख शायद कितने लोग आए यहाँ पे। ऐसा है जू का नज़ारा, ये देखो। और सबसे पहले तो मेरा नज़ारा देखो, क्योंकि मेरा शक्ल इतना धूप है, गर्मी है, और ऊपर से हम लोग ने एक बोतल पानी तक भी नहीं लिया, तो बहन आ रहा है तो उनको मंगवाया है। तो आप देखिए यहाँ पे पीछे में आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, थक चुके सब लोग देख देख के। ये देखो भाई कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, लगता है जितना भी बंदरगाटा और जितना भी बेंगलोर से सब लोग आ गए हैं। ये देखिए और मेरा पैर पूरा दर्द दिया तो मैंने खोल दिया मेरा पैर। इतना दर्द हो गया यहाँ पे, सू घाव तक भी हो गई मुझे देख लो। फिर से आएगा हाँ बहन, आएगा कैसा था, अच्छा लगा? लेकिन पानी नहीं लिया हम लोग ने ना, गलती कर दिया। तो गाइस हम लोग यहाँ पे पानी वेट कर रहे हैं, जहाँ की एक बहन ला रहा है छोटा डॉन, पूरा डॉन बन के आ गया देखो, रेड चेक शर्ट पहन के, और पीछे में आना बाकी है तो इनका शुक्रिया था, थैंक यू। तो गाइस आपको दिखाती हूँ मैं अब मगरमच्छ है, ये मगरमच्छ गाइस ओरिजिनल है, मत सोचना ये डुप्लीकेट है, क्योंकि इतना आलसी से बैठा है। और इन लोगों का खाना देखो यहाँ पे, इतना बड़ा बड़ा मच्छी फेंक के रखा है, फेंक के मतलब ये लोग को दिया है, एक एक केजी का तो होता होगा, मतलब लगता है ये नकली जैसा। अगर इसको मार के थोड़ा हिला दूँ तो पत्थर मारने से फाइन लगेगा, इससे अच्छा तो छोड़ो चुपचाप देखो निकल लो। और यहाँ पे देखिए चूहा जैसा है, मुझे पता नहीं, मैं नाम याद था मुझे, मैंने भूल गया, नेपाली में भी नाम क्या था भूल गया। और देखो चलो देखो मज़े करो, चलो आगे पे दिखाती हूँ मैं और आगे, चलिए मेरा साथ। और गाय सबसे डरावना चीज़, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगने वाला जानवर में से ये है स्नेक, बहुत बड़ा है भगवान। और सो गाय सबसे प्यारा प्यारा जानवर दिखे यहाँ पे ज़ेब्रा, कितनी सुंदर लग रही है, शांत है, सुशील है, दूर है इसलिए जूम करके दिखा रही हूँ। तो गाइस जू का वीडियो बस इतना ही रहेगा, बहुत चीज़ों था जो मैंने आप लोगों को दिखा नहीं पाया, तो आज मैं जू के लिए बस इतना ही करती हूँ वीडियो, पर बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं देखिए। बस हम अब ये मंदिर का ऊपर जाने वाला, जो पत्थर है पत्थर का ऊपर जाने वाला है, यहाँ तक आया तो सोचा कि इस मंदिर पे भी कुछ मंदिर का दर्शन ले लूँ, तो अब हम यहाँ पर जा रहे हैं। बहुत ही ऊँचा सीढ़ी है फिर भी जाएंगे, देखते रहिए। तो गाइस सॉरी आप लोगों को, हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम लोगों ने खाना खा लिया और ऊपर से नॉन वेज खा लिया है, तो मैं आप लोगों को बस बाहर से ही दिखा सकती हूँ।
तो देखिए मैं इसको आप ऊपर साइड से भी दिखाऊंगी। मंदिर बहुत बड़ा है, देखते रहिए, मैं शायद बाहर बाहर ही घूम के आ जाऊंगी, देखिएगा। तो गाइस हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं और यहाँ पर भी बहुत ही सारे लोग हैं। आप इसका यहाँ का नीचे का नज़ारा दिखा दो, आ जाओ आ जाओ भाई साहब, आओ तो तो आइए गाइस देखिए मंदिर का पीछे साइड इस तरह का नज़ारा है। मैंने बोला था ना आपको कि मैं बैक साइड भी दिखाऊंगी, तो देखिए ऐसा है नज़ारा, ऊपर से ऐसा दिखता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखो गाइस मैं यहाँ पे थक चुकी हूँ और देखिए बंदरगाटा है, ये बंदरगाटा का नज़ारा ऐसा है। और बहुत गांव एरिया है पर घर तो फिर भी बिल्डिंग बनाया है। शहर तो बस सुनने में ही मज़ा है पर असली मज़ा तो गांव पर ही है गाइस। देखो कितना सुंदर दिख रहा है और मेरा सांस पूरा फूल गया है। और हमें जाना है और भी ऊपर, यहाँ पर बहुत सारे लोग पत्थर पर बैठे हुए हैं, हम जाएँगे फिर से ऊपर तरफ। चलो देखिए और आपको दिखा दो, ये जो सीढ़ी है ना, इसको ये पत्थर को काट के बनाया गया सीढ़ी है। मैंने सोचा था इसको प्लास्टर या ढलाई किया होगा, नहीं, लेकिन ये तो पत्थर से काट के बनाया गया है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ है देखिए, और ये सीढ़ी भी देखो पत्थर से बनाया गया है, मीन्स पत्थर है, पत्थर को काट के बनाया गया है। यही देखो पूरा पत्थर ही पत्थर है, ये पत्थर है सारे, देख सकते हो आप। मैंने कभी भी नहीं देखा था इतना बड़ा बड़ा पहाड़। और ये नज़ारा देखो बेंगलोर बंदरगाटा का नज़ारा, एक्चुअली ये पूरा बेंगलोर ही है और हम तो गांव एरिया बंदरगाटा में आए हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। तो पूरा थक चुकी हूँ यहाँ तक आते आते, क्योंकि हमने वहाँ नीचे से आए थे तो आप देख सकते हो रास्ता जो है वो वहाँ से आए थे और अब थोड़ा दूर बाकी है वहाँ तक पहुँच रहे हैं और बहुत सारा लोग है। बस हम यहाँ पर आने के लिए प्लानिंग तो नहीं था पर हम पार्क गया था तो सोचा चलो आया ही, तो यहाँ पे भी आके चले जाएंगे। तो ये बहुत ही लंबे सीढ़ी है और हम चल रहे हैं। मेरा पीछे में इतने अच्छे व्यूज दिख रहे हैं आपको, ये पूरा बेंगलोर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए देख सकते हो, देखिए देखिए देखिए। सो इसी तरह से अब रात शाम हो चुका है तो मैंने सोचा कि अब मेरा वीडियो यहीं पे एंड करूं। तो अब हम लौट रहे हैं घर, तो अब हम जा रहे हैं घर को। तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब। वैसे तो मैं लेट हूँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ मैं वीडियो बहुत लेट में डालती हूँ और कोशिश तो थी कि अच्छे बनाऊं पर जब मैं आ रही थी रास्ते में तो मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, मीन्स गाड़ी पे चढ़ते वक्त थोड़ा मेरा ख़राब हो जाता है तबीयत। तो इसी तरह तो मेरा वीडियो यही पेंड करती हूँ एंड थैंक यू सो मच। चलो गाइस, तो गाइस हम जा रहे हैं नीचे, अब नीचे मीन्स घर को लौट रहे। और ये देखो मंदिर पर लाइट जलाने शुरू हो गया। सोचिए गाइस दिन में इतना सुंदर नज़ारा है और रात को जब ऊपर से लाइट जला हुआ नज़ारा दिखेगा तो कितना सुंदर दिखेगा होगा, जस्ट सोचिए आप लोग। और ये सीढ़ी से नीचे जाएंगे हम, और ये सीढ़ी ना जब बारिश होगा बहुत ख़राब से स्लिप होगा ये सीढ़ी पे। और भाई जो हमें नीचे पे वेट कर रहा है क्योंकि वो ऊपर नहीं गए, वो थक गया था बहुत सारा चलाना हम लोग जू में इसलिए।
तो हम लोग जाएंगे। और ये देखिए मंदिर, अंदर भी नहीं जा पाया क्योंकि वही जो मैंने कहा आप लोगों को कि हमने खाना खा लिया था। और गाइस ये मंदिर का नाम तो पता नहीं है। गाइस यहाँ पे देखिए इतना बड़ा, यहाँ पे बोल रहे रथ रखा है, बहुत बड़ा है, फेस्टिवल में वो लोग चलाते हैं शायद, पर मैंने तो कभी नहीं देखा है। बहुत बड़ा होंगे, सोचिए कितने बड़े होंगे, लोगों को कितना लगेगा।